बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि एक एरर आ रहा है। जब हम फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो एरर देता है, दिस इज़ नो लॉन्गर लोकेटेड इन सी डायरेक्टरी, जो भी है, वेरीफाई एटम लोकेशन एंड ट्राई अगेन। अगर हम इसे ट्राई अगेन करते हैं तो भी ये फोल्डर हमारा डिलीट नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम इस फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ और देखते हैं कि ये हमने फोल्डर कैसे डिलीट करना है। जी, तो हमने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है बटन पर और यहाँ पर हमने टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट और इसको हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है और फिर हमने यहाँ पे कमांड टाइप करनी है rd /s/:\, सवालिया निशान का जो आपका है वो, और फिर \, फिर उसके बाद आपने उस फोल्डर की डायरेक्टरी डाल देनी है। यहाँ पर मेरे फोल्डर की जो डायरेक्टरी है वो ये वाला फोल्डर है। हम इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसकी जो डायरेक्टरी आ रही है वो आ रही है सी। यहाँ पे हम टैप कर देंगे c:\games/banking/desktop। जैसे इसको एंटर करेंगे तो हमने यहाँ पे इसका कर देना है इंटर। तो ये हमसे पूछेगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, आपने कर देना है यस, वाई पे क्लिक करके, और आपने दोबारा कर देना है इंटर। तो जैसे ही आप इसे देखा, आपने इंटर किया तो वो फोल्डर हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके के साथ आप भी ऐसे फोल्डर्स को बासाइन तरीके के साथ डिलीट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में से। अगर तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।